नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर। सो वंस अगेन वी आर हियर विद क्लास फॉर एनवायरमेंटल स्टडी एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 10 हुतुतु हुतुतु। आई होप सो यू ऑल हैव वॉच माय फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इन द फर्स्ट पार्ट we discuss about the importances of games, different types of games, indoor games, outdoor games, and why do we play games. Different examples also we have discussed. Now in this part we are going to study about the kabaddi, that is hututu, how it is played, which are the different sports personalities, and the concept of gender bias. Okay, so let us start and about kabaddi. So kabaddi is the state game of Indian state of Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, Telangana and Uttar Pradesh, and it is also the National Sports of Bangladesh. Kabaddi and nickname of Kabaddi is Kaudi, Pakadda, Hadudu, Bhautik, Sadukuda, Hututu, Himoshika, Sadukudu. So, बच्चों देखो यहाँ पर एक कबड्डी जो है जो कि स्टेट गेम ऑफ इंडियन स्टेट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया इट इज प्लेड जस्ट लाइक आंध्र प्रदेश देन बिहार हरियाणा कर्नाटका केरला महाराष्ट्र पंजाब तमिलनाडु तेलंगाना ओके उत्तर प्रदेश एंड इट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश इट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश राष्ट्रीय गेम है बांग्लादेश का ये। अब इसके जो नीक नेम है जैसे कौड़ी पकड्डा हडूडू भावथी इन मालदीव साडुकुड़ा हुतुतु हिमोशिका दिस आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द कबड्डी and different parts of world and different parts of India. ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है कबड्डी के। ठीक है, सो कबड्डी इज नोन बाय इट्स रीजनल नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन स्टेट। नंबर वन कबड्डी और चेटुगुडू इन आंध्र प्रदेश, कबड्डी इन कर्नाटका केरला एंड तेलंगाना, हाडुडू इन बांग्लादेश, भावतिक इन मालदीव्स, कौड़ी और कबड्डी इन पंजाब रीजन, सो दिस आर द एंड हुतुतु इन वेस्टर्न इंडिया, हुडोडो इन ईस्टर्न इंडिया, चेड़ाकुडू इन साउथ इंडिया, कबाडी इन नेपाल एंड कबड्डी और साडुगुड़ा इन तमिलनाडु एंड द वर्ड कबड्डी इज डिराइव्ड फ्रॉम द तमिल वर्ड कैपीडी। बच्चों ये ध्यान में रखना है आपको कि कबड्डी को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है, रीजनल नेम से उसके इंडियन स्टेट में भी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे बांग्लादेश में हडूडू के नाम से जाना जाता है, भौतिक मालदीव में जाना जाता है, ठीक है, और कपाड़ी इन नेपाल में जाना जाता है। तो दिज आर द सम डिफरेंट दिज आर द नेम्स ऑफ द कबड्डी। ठीक है, तो चेड्डुगुडू कहाँ पर बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में, चेड्डुगुडू आंध्र प्रदेश, कबड्डी कर्नाटक में, केरला में और तेलंगाना में, ठीक है, कौड़ी और कबड्डी पंजाब रीजन में बोला जाता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, देन हुतुतु हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है महाराष्ट्र के, ठीक है, गुजरात, देन हुडोडो ईस्टर्न रीजन में मीन्स नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट, ठीक है, देन साडुगुडो तमिलनाडु में, और जो कबड्डी जो वर्ड है बच्चों ये डिराइव हुआ है तमिल वर्ड से दैट इज कैपीडी। कहाँ से डिराइव हुआ है, तमिल वर्ड दैट इज कैपीडी। ठीक है, सो दिज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ कबड्डी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, एज इन द प्रीवियस स्लाइड यू सी द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश इज कबड्डी, कैन एनीबडी टेल, यस हॉकी, द हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ अवर कंट्री, जो हॉकी है वो है नेशनल गेम। हु इज दिस पिक्चर, दिस इज द मेजर ध्यानचंद, इन्हें हॉकी के जादूगर भी कहते हैं बच्चों, पता है आपको,
दिस इज द मेजर ध्यानचंद। इनको हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। नाउ इनका भी कुछ ही दिनों में उनका बर्थडे आने वाला है, बर्थ एनिवर्सरी, दैट इज 29th of August। ठीक है, 29th of August, दैट इज द वह सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी इनको हॉकी के जादूगर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्यों उनका जो प्ले था, उनका जो स्पोर्ट्स था, वो इस तरह का लेवल का था, बहुत ही सुंदर, इसलिए उनको हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अपने इंडिया का जो नेशनल गेम है बच्चों, कौन सा है? हॉकी है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। सो डिफरेंट फेमस ओन्स स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, तो देखो दिज आर द सम पिक्चर्स ऑफ द सम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ईच वन हैज इट्स अ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, हर एक का एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स है, जैसे कि शी इज मिताली राज, एंड मिताली राज शी इज रिलेटेड टू क्रिकेट। ठीक है, देन शी इज साइना नेहवाल, एंड शी इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। ठीक है, देन शी इज एट द सेंटर पीवी सिंधु, और इनका भी स्पोर्ट जो है बैडमिंटन है। देन सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा एंड शी इज रिलेटेड टू द टेनिस। ठीक है, देन एमसी मैरीकॉम एंड शी इज अ बॉक्सर, एमसी मैरीकॉम शी इज बॉक्सिंग, शी इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग। ठीक है, सो ईच वन हैज इट्स स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। ठीक है, एंड दे हैव डन लॉट फॉर आवर कंट्री, जैसे कि आपको पता ही होगा पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, इन्होंने ओलंपिक में लास्ट टाइम एक फर्स्ट टाइम बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने सिल्वर मेडल जीता था, एंड साइना नेहवाल ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, देन सानिया मिर्जा आल्सो, एंड सानिया मिर्जा शी इज़ अ टेनिस प्लेयर एंड शी इज़ द कैप्टन ऑफ अवर वुमन्स टीम, क्रिकेट टीम, वुमन्स क्रिकेट टीम। और एम सी मैरीकॉम शी इज ऑल्सो बॉक्सिंग, शी ऑल्सो ओन द मेडल इन द एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, सो दिस ऑल दिस फाइव पर्सनैलिटीज आई एम शोइंग हेयर, जो भी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, दिस आर दे ब्रिंग्स द लॉरल्स टू अवर कंट्री, और हमारे देश के लिए इन्होंने गौरव का स्थान प्राप्त करा के दिया है। ठीक है बच्चों, सो दिस आर द सम वुमन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज। ठीक है, सो टू विच स्पोर्ट्स अबो पर्सनैलिटीज रिलेटेड, जो मिताली राज दैट इज क्रिकेट अभी मैंने बताया, साइना नेहवाल बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस, एम्स मैरीकॉम बॉक्सिंग एंड पी वी सिंधु बैडमिंटन। ठीक है, सो दिज आर देयर स्पोर्ट्स, क्रिकेट बैडमिंटन टेनिस बॉक्सिंग एंड पी वी सिंधु बिलोंग रिलेटेड टू बैडमिंटन। सो हाउ इज कबड्डी और हुतुतु प्ले, द कंसेप्ट, द मेन चैप्टर दैट इज द हुतुतु, हाउ इट इज प्लेड, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो द डिफरेंट गेम्स हुतुतु, देर आर टू टीम्स टू प्ले हुतुतु। ठीक है, ईच टीम हैज 12 प्लेयर्स, 7 प्लेयर्स प्ले एट अ टाइम, 5 आर रिजर्व प्लेयर्स, वन प्लेयर फ्रॉम ईच टीम विल गो टू ईच टीम एंड ट्राई टू टच एन अपोनेंट एंड कम बैक टू हिज ओन टीम, he has to say hututu hututu without taking a breath, the number of players he touches and returns back safely will be out, and but if he is caught hold by the other team members then he get out। dekho bachcho, ek to hututu mein do teams hote hain, theek hai, and it is a team games, sabse important baat to kya hai ki hututu kya hai, team game hai, theek hai, and when they are playing they have
टू टीम्स, दो टीम होते हैं, ठीक है। ईच टीम में कितने, 12 प्लेयर्स होते हैं, और 7 प्लेयर्स जो होते हैं बच्चों वो एक साथ खेलते हैं, और 5 जो है वो रिजर्व रहते हैं, रिजर्व मीन्स आरक्षित रहते हैं, उनको उसमें रखा जाता है। अगर इसमें से कोई अगर इंजर्ड हो जाता है तो बीच में उसको उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। 1 प्लेयर फ्रॉम ईच टीम विल गो टू ईच टीम, एक प्लेयर जो है दूसरी टीम के पास जाता है, एंड ट्राई टू टच एन अपोनेंट एंड कम बैक टू हिज ओन टीम, उनको टच करके फिर से उसको वापस आना होता है। वैसे आप सभी को पता ही है, तो आपने देखा ही है, प्रो कबड्डी लीग में भी आपने देखा होगा, ठीक है। ये एस टू से और उसको कंटिन्यूअसली हुतु तु, या तो कबड्डी 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 इस तरह से विदाउट टेकिंग ब्रेक, बिल्कुल सांस भी बिल्कुल छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लेयर्स ही टचेज, जितने लोगों को वो टच करेगा उतने वो आउट हो जाते हैं, अगर वो रिटर्न आ जाता है तो, ठीक है। अगर ये पकड़ा जाता है तो फिर क्या, वो जो गया है वही आउट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द गेम, इन दिस वे दे आर प्लेइंग, इस तरह से उसको खेला जाता है। सो हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द कबड्डी, देयर आर ईच टीम हैज 12 प्लेयर्स, एंड 7 प्लेयर्स प्ले एट ए टाइम, एंड 5 आर रिजर्व, 5 आर रिजर्व। एंड विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट डे, 29 अगस्त, ठीक है। जो 29 अगस्त है, अगस्त है, ये नेशनल स्पोर्ट्स डे करके सेलिब्रेट करते हैं, ये रिजर्व है बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, 5 आर रिजर्व, ठीक है। ईच टीम हैज 12 प्लेयर्स, 7 प्ले एट अ टाइम, एंड 5 आर रिजर्व, एंड नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 29th अगस्त, दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। ऑफ मेजर ध्यानचंद, ठीक है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं, ठीक है, हॉकी प्लेयर थे वो। सो कबड्डी ग्राउंड, दिस इज द कबड्डी ग्राउंड, इस तरह से कबड्डी का ग्राउंड होता है बच्चों। देखो ये दो साइड में दो टीम्स होते हैं, एंड दिस इज द मिडल लाइन, तो दोनों साइड से जो भी प्लेयर आता है इस मिडल लाइन को उसको टच करना होता है। अगर वो पकड़ा जाता है तो अगर मिडल लाइन को टच करेगा तो जिन्होंने उसको पकड़ा है वो सब प्लेयर्स क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मिडल लाइन, ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ आवर कबड्डी ग्राउंड। सो रोल ऑफ वुमन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में इन द फर्स्ट वीडियो, आई होप यू ऑल हैव वॉच, उसमें मैंने बताया था कि वुमन्स का और स्पोर्ट्स का क्या रोल होता है। सो दिस द वुमन आर क्रिएटिंग हिस्ट्री इन एवरी फील्ड, सो रोल एंड द स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमन इन स्पोर्ट इज इक्वेलेंट टू दैट ऑफ अ मैन, जितना मैन का है उतना ही वुमन्स भी इम्पोर्टेंट है। देयर आर मेनी ऑफ देम हु रिप्रेजेंट्स इंडिया इन वेरियस इवेंट्स एंड ब्रॉड ग्लोरी टू अवर नेशन, बहुत सारे जो प्लेयर्स है वुमन्स प्लेयर, उन्होंने हमारे नेशन के लिए प्राउड फील करवाया है बच्चों। देखो इंडियन वुमन आर क्रिएटिंग हिस्ट्री इन एवरी फील्ड, ऐसा कोई फील्ड नहीं रहा कि जहाँ पर भारतीय महिला ने अपना परचम लहराया है, ठीक है। सो रोल एंड द स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमन इन स्पोर्ट इज इक्वल एंड टू दैट ऑफ मैन, जितना मैन का उतना ही वुमन, दिस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो देयर आर मेनी ऑफ देम रिप्रेजेंट्स इंडिया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी वुमन्स ने हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है, लीड भी किया है, और ग्लोरी मीन्स गौरवास्पद उनका जो काम भी रहा है हमारे देश के लिए, जैसे कि पीटी उषा है जो कि इंडियन स्प्रिंटर है, पीवी सिंधु रिसेंटली गॉट अ सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन इन ओलंपिक गेम्स 2016, ठीक है। साक्षी मलिक, गीता फोगट, बबीता फोगट, दिस ऑल आर द फ्री स्टाइल रेसलर, ठीक है। ये जितने भी नाम यहाँ पर है बच्चों, दिस ऑल दिस वुमन्स दे ब्रिंग्स द लॉरेल्स टू अवर नेशन, हमारे देश के लिए उन्होंने क्या किया है, अपना जो पूरा प्राउड फील करवाया है हमारे देश को, ठीक है। तो इसीलिए दिस ऑल आर
वेरी इम्पोर्टेंट, सो वी शुड रिस्पेक्ट देम ऑल्सो, ठीक है। एंड दिस साक्षी मलिक, गीता फोगट, बबीता फोगट आर फ्री स्टाइल इंडियन रेसलर, रेसलर कुश्ती है ना, और ये स्प्रिंटर मतलब क्या, जो एथलेटिक्स प्लेयर भी कहते हैं इन्हें, और जो रनिंग में, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अप टू दिस, सो दैट्स वाई दिस वुमन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एम सी कौर मैरी कॉम इज एन इंडियन बॉक्सर हु रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स एंड शी इज अ 5-time वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन। 5 बार उसने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में भी परचम लहरा है। करणम मल्लेश्वरी, जो हमारे लेसन में आपको पिक्स दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वेट लिफ्टिंग एंड वन ऑफ ब्रॉन्ज मेडल इन 2000 ओलंपिक्स। शी इज करणम मल्लेश्वरी, शी बिलोंग्स फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, ठीक है। और एम सी मैरी कॉम जो कि इंडियन बॉक्सर है, और 5 बार उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग ये दिख रहा है आपको पिक्चर में, दिखाई दे रहा है हाउ इट इज वेट लिफ्टिंग है। 2000 में उन्होंने ओलंपिक भी पाया है अपने जीवन में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द वुमन्स आर ऑल्सो ब्रिंकिंग द लॉरेल्स टू अवर कंट्री। नाउ सी सी दीज आर द 3 सिस्टर्स इन योर चैप्टर, इट इज गिवन दैट इज द ज्वाला, लीला एंड हीरा। ज्वाला, लीला एंड हीरा, द स्टोरी ऑफ ज्वाला, ठीक है, लीला एंड हीरा, दिस 3 आर कबड्डी प्लेयर्स, है ना। अब जो मैंने बताया ना कंसेप्ट ऑफ जेंडर बायस, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव किया जाता था कि वुमेन्स को, हमारे इंडिया में कबड्डी खेलना एक बहुत ही बड़ी बात है ना। क्यों? क्योंकि जो गर्ल्स वे आर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्ले सच रफ गेम्स, क्या मानना था लोगों का कि गर्ल्स अगर ये गेम्स प्ले करेंगे नो बडी वुड मैरी देम, उनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वेयर बॉयज क्लॉथ्स, छोटे साइज वाले जो कपड़े होते हैं उनको पहनना पड़ेंगे। तो इन दिस वे, सो दैट्स वाई दे वे आर नॉट अलाउड टू प्ले, उनके साथ उनकी शादी नहीं होगी, इस तरह की मिथ्या थी बच्चों, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने अपने लाइफ में, इनके मैटरनल अंकल और मॉम, दे एंकरेज देम टू प्ले, दे एंकरेज देम टू प्ले कबड्डी, और एंकरेजमेंट में ही उन्होंने अपना नाम रोशन किया, और उसमें से हीरा है, उन्होंने क्या किया, कबड्डी क्लब्स इस्टेब्लिश किया और वो रन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द जेंडर बायस, बट नाउ डेज ऑल द वुमन्स और द गर्ल्स दे आर ब्रिंगिंग द लॉरेल्स इन एवरी फील्ड एंड दे आर द प्राउड ऑफ आवर नेशन, ठीक है। सो इट शुड बी स्टॉप, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर बायस है उसको हमें रोकना है, उसको हमें नहीं रखना है सोसाइटी में, ठीक है। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स हु प्लेड वेल, ठीक है, कबड्डी, ठीक है। दिस आर द, यहाँ तक समझ में आया सभी को? सो हम चलो आगे देखते हैं। सो रूल्स आर इम्पोर्टेंट इन गेम्स एंड इन आवर डेली लाइफ, यस। तो अगर आपको कुछ पाना है बच्चों, तो रूल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, वी शुड फॉलो द रूल्स एंड वी शुड अचीव वट एवर यू वी हैव डिसाइडेड, जो भी हमें पाना है उसके लिए हमें रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि बस स्टूडेंट इग्नोर्स द रूल अगेंस्ट टॉकिंग इन क्लास, अगर बच्चों ने क्लास में बोलना शुरू कर दिया तो जो उसको सीखना है, जो उसका गोल है सीखने का, वो जो टॉपिक उसको समझाना चाहते हैं टीचर, या फिर वो समझ पाएगा क्या? नो। अगर क्लास जब चल रही है तो क्लास में बच्चों को शांत बैठना है, दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। तो उस वक्त आपको क्या करना होता है, कॉन्सेंट्रेट करना होता है, वट एवर द टीचर इज गोइंग टू टीच यू, यू हैव टू लिसन। सो एट दैट टाइम द वन रूल इज दैट टू लिसन साइलेंटली। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर्स हु डोंट फॉलो द ट्रैफिक लॉस कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट, यस। अगर ड्राइवर है, अगर उसने अपना जो भी ट्रैफिक के रूल्स है, रूल्स अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है।
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मर्स, एवरीवन इन द सोसाइटी मस्ट बिहेव अंडर रूल्स. कुछ ना कुछ उसे अपने जीवन में रूल्स फॉलो करने होते हैं. तो सेम वे इन द गेम्स ऑल्सो द सम रूल्स आर देयर एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रूल्स दे हैव टू प्ले. ठीक है, और वैसे हमारे लाइफ के लिए भी लागू होता है. ठीक है, सो मोस्ट थिंग्स वी डू आर गवर्न बाय रूल्स एंड विच मे बी अनरिटन लाइक द रूल्स ऑफ सोशल पोलाइटनेस एंड बैकअप बाय द लीगल सिस्टम. तो जो भी रूल्स हमें दिए गए हैं या फॉलो, उसी रूल्स के हिसाब से हमें क्या करना है बच्चों, उनको फॉलो करना है और बहुत ही सामाजिक विनम्रता के साथ हमारी जो रूल्स को है फॉलो करके आगे बढ़ना है. ठीक है, तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि जब आपकी क्लास चलती है तो आपको भी शांत बैठना होता है और आपको समझना होता है जो भी पढ़ाया जा रहा है. इसी तरह से सभी लोग जो है अपने रूल्स फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा जो सिस्टम है अच्छे से चल पाएगा. अदरवाइज फिर समथिंग मिस हैपन विल बी देयर. ठीक है, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया. सो रूल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ, सो वी शुड फॉलो दिस रूल्स. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. सो थैंक यू सो मच. If you like this video, please like and subscribe my channel for more videos of EVS. Thank you so much.